बहुत से लोग ऐसे हैं जो टूल किट का इस्तेमाल कर कर इनको गलत चीज़ें बताने का प्रयास कर रहे हैं। भारतीय सेना स्वेच्छा से सैनिक नहीं, स्वेच्छा से सैनिक भर्ती होने आ रहे हैं। और पाटलिपुत्रा की धरती से नहीं बल्कि पाटलिपुत्रा स्टेशन से भी, और यहाँ मैं आपको ये दिखाने जा रही हूँ कि जो प्रदेश अपने आंदोलन की वजह से, यानी बिहार हमेशा से जिंदा महसूस किया गया, वहाँ के एक आंदोलन की चिंगारी ने पूरे देश में चर्चा के विषय में इसलिए ला दिया क्योंकि चर्चा इस बात को लेकर आ रही है कि ये सरकारी संपत्ति, ये जो भारत सरकार की ट्रेन है, ये जो यात्रियों को उनके मंजिल तक पहुँचाती है, उसको, इसके पहिए को थमा दिया गया, या तो इन ट्रेनों को फूंक दिया गया है या इसका पहिया थम चुका है। दूसरी तरफ की तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। इनको अभी भी मन में उम्मीद है, तमाम ट्रेनें कैंसिल हैं। यहाँ पे एहतियातन कदम उठाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों की, पुलिस की तैनाती है, लेकिन राहगीर ये सोच रहे हैं, यात्री ये सोच रहे हैं कि शायद ये ट्रेनें खुलें, और ये ट्रेनें अगर खुलेंगी तो अपने मंजिल तक जा सकेंगे, लेकिन आंदोलन की वजह से फिलहाल ऐसा संभव होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो कल अलग अलग जगहों पे घटनाएं हुई उसके बाद यही सबक लिया गया। और इस वक्त तीन तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों की, ना सिर्फ बिहार बल्कि उत्तर प्रदेश से भी ऐसी घटना सामने आ रही है। देश के अलग अलग हिस्सों की दरअसल ये तस्वीरें हैं, चेन्नई की भी तस्वीर है इसमें, बिहार की भी तस्वीर है, उत्तर प्रदेश की भी तस्वीर है, क्योंकि परेशानी, चुनौती बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। यही वजह है कि अब हर जगह की पुलिस सतर्क हो चुकी है और कदम ये उठाए जा रहे हैं कि अब कहीं से भी कोई ऐसी अनहोनी की, ऐसी कोई दुर्घटना ना हो जिसमें ट्रेनों की पहिए थम जाए, ट्रेनों को फूंक दिया जाए, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए। तो चाहे दिल्ली की बैठक हो या फिर अन्य प्रदेशों, यानी बिहार में इस वक्त मैं मौजूद हूं, हमारे अलग अलग सहयोगी अलग प्रदेशों में हैं, उन सबसे जो रिपोर्ट्स मिल रहे हैं उससे यही तय हो रहा है कि सरकारें सजग हो चुकी हैं, अलर्ट हो चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि छात्रों के बारे में सोचा नहीं जा रहा है, युद्ध स्तर पर बैठकें हो रही है और बैठकों के जरिए यह तय किया जा रहा है कि वो कौन सा रास्ता होगा। अब अलग अलग जगहों से पांच तस्वीरें एक बार फिर से आपके टीवी स्क्रीन पर, ये पांच तस्वीरें देखिए और आप समझिए कि एक भर्ती प्रक्रिया ने कितनी बड़ी चुनौती और परेशानी खड़ी कर दी है। ये सिर्फ और सिर्फ चार साल का मसला नहीं, अग्निवीरों का मसला नहीं, बल्कि एक ऐसे आंदोलन का मसला है जिसमें लोग उग्र हो चुके हैं, जिसमें अब वो छात्र हैं, शरारती तत्व है, अराजक तत्व है, कौन है ये सब कुछ पता लगाने की कोशिश पुलिस कर रही है। अगर मैं सिर्फ पर्टिकुलर बिहार की बात करूं तो बिहार में एक टीम अलग से गठन हो चुकी है, वो टीम ऐसे लोगों के पास भी पहुंच रही है जिनकी भूमिका कल बहुत संदिग्ध रही है, उनके पास पहुंचकर ये कदम उठाए जा रहे हैं कि जल्द से जल्द उनको हिरासत में लिया जाए, पूछताछ की जा सके कि आखिर कोई व्हाट्सएप ग्रुप है, कैसे लोगों का समूह बना और कैसे एक दूसरे पर। और सीधे मैं इस वक्त अपने अलग अलग सहयोगियों का रुख करूंगी, स्वाति नेगी रोहतक से मेरे साथ बनी हुई है और इसके अलावा चंद्रमोहन मेरे साथ पटना के अलग अलग हिस्सों से, वो रिपोर्ट्स तैयार कर रहे हैं कि क्या हालात बने हुए हैं। सबसे पहले मैं चंद्रमोहन आपके पास आती हूँ, आपके पिछले रिपोर्ट के जरिए हमने दर्शकों को दिखाया कि कैसे मसौढ़ी में चुनौती आज भी है जबकि बिहार की राजधानी पटना में चारों तरफ चाक चौबंद व्यवस्था। बिल्कुल, देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं, पटना से सटे ये मसौढ़ी इलाका है, जो मसौढ़ी अनुमंडल है वहीं पे तारेगाना स्टेशन है और यहाँ पर अब से थोड़ी देर पहले हंगामा करने वाले लोग पहुंचे थे सैकड़ों की संख्या में, और ये जीआरपी थाना है जिसको पूरी तरीके से ये कहा जाए कि तहस नहस, तोड़फोड़ करने की कोशिश की गई है और जो जीआरपी का ये जिप्सी है इसमें आग लगा दी गई है। आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो यहाँ पर गमला लगाया हुआ था जिसमें ये फूल लगाए हुए थे, यहाँ पर पत्थर बिखरे पड़े हैं और साथ ही जो गमला है वो बिल्कुल पूरी तरीके से टूट चुका है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि जो सामने रेलवे ट्रैक है वहाँ पर हंगामा करने वाले लोग पहुंचे थे, उपद्रवी पहुंचे थे और जो भी उनके हाथों में पत्थर मिला वो सीधे इस जीआरपी थाने पर उसकी बरसात हुई है और जिसकी बानगी सामने देखने को मिल रहा है, जिसकी तस्वीर सामने दिखाई दे रही कि किस तरह से यहां पर जो रेलवे ट्रैक पर पत्थर रहता है वो सीधे इस जीआरपी थाने में पहुंच गया है। और इसके कॉरिडोर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये देखिए किस तरह से यहां पर पत्थर बिखरे पड़े हैं, तो जो यहां पर पुलिसकर्मी मौजूद थे वो किसी तरह से अपना जान बचा पाए हैं और जो भी इसमें
सामान पड़े हुए थे उसको उन लोगों ने बचाने की जरूर कोशिश की है। हालांकि इसमें भी तोड़फोड़ किया गया है और जो लोग यहां पर मौजूद हैं वो किसी तरह से अपनी जान बचा पाए हैं, अपने सामानों को बचा पाए हैं, तो इसमें जमकर तोड़फोड़ किया गया है। ये बैरक है और इसके अलावा जो बाहर की तस्वीर है इससे समझा जा सकता है कि किस तरह से यहाँ पर जो उपद्रव करने वाले लोग हैं, जो हंगामा करने वाले लोग हैं वो पहुंचे थे। और अभी भी जहाँ पर हम मौजूद हैं इस ट्रैक के दोनों तरफ लगभग सैकड़ों की संख्या में अभी भी लोग मौजूद हैं जो रुक रुक कर यहाँ पर पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सामने एक जिप्सी गाड़ी है जो GRP का है, उसको जलाने की कोशिश की गई है। और साथ ही इस कैंपस में जो पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई थी, आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, इस गाड़ी को जला दिया गया है। दो गाड़ी है जिसको जलाया गया है। और साथ ही यहाँ की जो तस्वीर है ये भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पुरानी गाड़ियाँ यहाँ पर लगी हुई थी उसको भी जलाने की कोशिश की गई है। और यहाँ पर अभी भी रुक रुक कर धुआं निकल रहा है जिसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। तो यहाँ पर हंगामा जो है अभी थमता हुआ दिख रहा है, लेकिन सैकड़ों की संख्या में इस रेलवे ट्रैक के किनारे अभी भी लोग खड़े हैं जो रुक रुक कर पत्थरबाजी कर रहे हैं और पुलिस की टीम उनको रोकने की कोशिश कर रही है। तो मैं आपके पास लौटती हूँ क्योंकि ये जो मसौढ़ी की तस्वीर है आज एक बार फिर से पुलिस के सामने इसलिए चुनौती है क्योंकि पुलिस बहुत अलर्ट है, हर कदम कदम पे है। राजधानी पटना की चौहद्दी को मैंने माप लिया और वहां हर कदम पे पुलिस की तैनाती, इसके बावजूद मसौढ़ी में इस तरीके की घटना। मैं आपके पास लौटूंगी बड़ी तस्वीर के लिए, लेकिन सीधे स्वाति नेगी का रुख करती हूँ जो कि इस वक्त रोहतक में है। और रोहतक से हम वो तस्वीर, वो खबर जानेंगे जिसका इंतजार दर्शकों को भी है कि क्या उत्तर प्रदेश और बिहार के अलावा और भी कोई प्रदेश है जहां पे चुनौती है, तो स्वाति इस वक्त हमें बताएंगी। जी, इस वक्त जो दो तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे, पहली तस्वीर है दक्षिण भारत की जो अब तक कंपैरेटिवली नॉर्थ इंडिया के कंपैरिजन में थोड़ा सा शांत दिख रहा था, लेकिन वहां भी तेलंगाना के बाद चेन्नई में भी जो है प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। जो कैंडिडेट्स थे अग्निपथ स्कीम का विरोध कर रहे हैं वो भी अब सड़क पर आ गए हैं और पुशअप वहाँ पे जो है कसरत करके, जो अपनी फिटनेस जिसके लिए जाने जाते हैं हमारे सैनिक कि फिट होते हैं, बिल्कुल उसी तरीके का उन्होंने विरोध का वहाँ पे तरीका निकाला है। पुशअप्स कर रहे हैं कैंडिडेट्स जो सेना में भर्ती होना चाहते हैं। और दूसरी तरफ उत्तर भारत में यूपी के जौनपुर में, वहाँ तो बिल्कुल अलग नज़ारा है, वहाँ पर हिंसा भड़क चुकी है। वहाँ पर जो अब कैंडिडेट्स हैं उन्होंने, प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है, पथराव किया है। पुलिस बारात माता की जय, बारात माता की जय, बारात माता की जय।